वो फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे पास 33 अरब 33 बिलियन की है, वो भी हमने इंक्रीज़ करने के लिए कहा है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी वो बढ़ाई जाए, तो उससे पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूँगा जो नाइंसाफ़ी मैं कुछ दिन पहले भी आपको पता चला था सिंध के साथ हुई है, कि जो सिंध के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोके हुए हैं बहरिया के हवाले से, वो भी इस डेफिसिट को पूरा करने में, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। तो जो हमारे प्लान्स हैं पूरे सिंध के लिए, जो कि अदरवाइज़ हम कम रिसोर्सेज की वजह से पूरे नहीं कर सके, उसमें भी हमें मदद होगी। इस के अंदर जो हमारी टोटल रेवेन्यू मैंने बताया 1,452 बिलियन का, उसकी मैं आपको ये जो खर्चा है उसकी ब्रेकडाउन दे दूं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से जो हमने पैसे मिलने हैं वो 869 बिलियन है, 869 हो जाते हैं ना अरब रुपए। इस साल ये जो गुज़र गया साल, 15 दिन बाकी हैं, उसमें 760 अरब रुपए का वादा किया गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एज़ वी स्पीक राइट नाउ हमें 613 अरब रुपए मिले, यानी 147 अरब रुपए उन्होंने हमें अभी देने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मुझे ये अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये वादा वो पूरा कर दें, मुझे नहीं लगता कि वो 147 अरब रुपये हमें जून के महीने में देंगे। तो जो 760 अरब रुपये उन्होंने वादा किया था, वैसे ही वो वादे को वफा ना करते हुए उन्होंने उसको डिक्रीज़ कर दिया है, 717 अरब कर दिया अभी, कि अब इतने देंगे। तो उसके हिसाब से भी तकरीबन 104 अरब रुपए हमें मिलने हैं जून के महीने में। और मैंने आप सब दोस्तों को पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को हम आपको बता देंगे कि इसमें से मिला कितना है हमें और कितना शॉर्ट हुआ है।